हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन से चैप्टर नंबर थर्टीन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फाइव तो सबसे पहले देखिए बेटा क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं उनकी शेप कैसी होती है ठीक है जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा और जो क्यूब है उसकी हर एक साइड की लेंथ इक्वल होती है तो इसका वॉल्यूम होगा ए की पावर थ्री ए की पावर थ्री क्लियर है अगर आ, इनकी सारी हर डायमेंशन को हम मीटर में मापें तो वॉल्यूम को मापेंगे मीटर क्यूब में किस में मीटर क्यूब क्योंकि देखिए वन टू थ्री थ्री साइड्स है ना टोटल तो मीटर क्यूब अगर सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब क्लियर और जो वन मीटर क्यूब वॉल्यूम है इक्वल होता है 1000 लीटर्स के क्लियर अच्छा कि वॉल्यूम का मीनिंग क्या है किसी बॉडी ने कितना स्पेस कवर किया दिस इज नोन एज वॉल्यूम मींस द स्पेस कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज इट्स वॉल्यूम क्लियर है तो चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 13.5 को स्टार्ट तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है अपना ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग ट्वेल्व सच बॉक्सेस मतलब एक मैच बॉक्स का की डायमेंशन दे रखी हैं आपको ठीक है तो पहले आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स कैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वन फोर टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव तो आंसर आएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब यानी एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम इतना है तो 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना होगा तो एक के वॉल्यूम को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है।, है तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ये तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम था और हमें 12 का निकालना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ गया क्लियर समझ में आया अच्छा तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है ए क्यूबोइडल वाटर टैंक इज सिक्स मीटर लॉन्ग फाइव मीटर वाइड एंड फोर मीटर डीप यानी इसकी लेंथ दे रखी है ब्रेथ दे रखी है हाइट दे रखी है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इसमें कितना लीटर वाटर होल्ड कर सकता है लीटर में पूछा यानी कि उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एल बी एच मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 135 मीटर क्यूब क्लियर है अच्छा अब एक मीटर क्यूब में एक हजार लीटर होते हैं तो मल्टीप्लाई मीटर क्यूब से लीटर बनाने के लिए वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ गया क्लियर है समझ में आया तो चलिए अब मीटर वाइड मतलब उसकी आपको लेंथ भी दे रखी है ब्रेथ भी दे रखी है हाउ हाई मस्ट इट बी टू मेड टू होल्ड थ्री एटी क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड आपसे इसकी हाइट पूछी गई है कि हाइट कितनी चाहिए ताकि इसका वॉल्यूम कितना हो जाए 380 मीटर क्यूब क्लियर तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल बी एच एल आपको गिवन है बी आपको गिवन है एच आपको फाइंड करना है और वॉल्यूम टोटल कितना गिवन है 380 क्लियर है तो इस जीरो से जीरो कैंसिल इधर बचा 38 इधर 10 इस साइड आके डिवाइड में ये एच तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.75 मीटर क्लियर है समझ में आया बेटा ये हमारे क्यूबिकल की हाइट तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द कोस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबोइडल पिट एक क्यूबोइडल शेप का एक पिट है गड्ढा है जो कि आठ मीटर लॉन्ग है छ मीटर क्या है ब्रॉड है यानी उसकी ब्रेथ दे रखी है लेंथ दे रखी है थ्री मीटर डीप यानी हाइट भी दे रखी है एट द रेट ऑफ थर्टी पर मीटर क्यूब और हर एक मीटर क्यूब की खुदाई करने में खर्चा कितना आ रहा है तीस रुपए तो वॉल्यूम ऑफ द पिट कितना हो गया इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना होगा बेटा तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट को यानी एट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया वन हंड्रेड फोर्टी फोर मीटर क्यूब अब देखिए वन मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी है थर्टी रुपीज कॉस्ट ऑफ वन मीटर क्यूब इज थर्टी रुपीज तो टोटल तो कॉस्ट कितनी आएगी थर्टी को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो वन फोर्टी फोर इंटू थर्टी तो आंसर आ गया फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज क्लियर है समझ में आ चुका होगा बेटा क्वेश्चन नंबर फोर तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबोइडल टैंक इजट्टी थाउजेंड लीटर्स

और वॉल्यूम है कितना 50 के इक्वल तो यहाँ से हमें बी फाइंड आउट करना है बी को इधर ही रखा ये एच इस साइड आके डिवाइड में ये लेंथ भी इस साइड आके डिवाइड में तो 50 अपॉन एच इन टू एल फिफ्टी एज इट इज हाइट टेन लेंथ टू अब इस जीरो से ये जीरो कैंसल देखिए यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल तो फाइव बचा डिवाइड में बचेगा टू तो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा बेटा टू क्लियर है आंसर कितना आएगा हमारे पास टू मीटर तो यानी कि ब्रेथ कितनी है इसकी टू मीटर बात समझ में आई है बस सिंपल है वॉल्यूम है एक बार फॉर्मूला लगाया एल बी एच एल और एच की वैल्यू दे रखी है बी निकालना है और वॉल्यूम दे रखा है फिफ्टी फिफ्टी आ गया ठीक है बस वैल्यूज पुट करो आंसर निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन सिक्स देखिए ए विलेज है फोर थाउजेंड पीपल रहते हैं यहाँ पर तो वाटर वन फिफ्टी लीटर डे एक दिन में एक इंसान को कितना पानी चाहिए यहां पर लीटर पानी इट हैज अ टैंक मिजरिंग ट्वेंटी मीटर फिफ्टीन मीटर इंटू सिक्स मीटर एक टैंक दे रखा है जिसकी लेंथ है ब्रेथ है हाइट है आपके पास फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट इस टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा देखिए सबसे पहले इस टैंक का वॉल्यूम निकालिए आप टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक लेंथ इनटू टू ब्रेड हाइट मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आया एटीन हंड्रेड मीटर क्यूब ये टोटल वॉल्यूम है एक टैंक का अगर लीटर में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो इतने लीटर इसका टोटल वॉल्यूम है ये आ गया ठीक है टोटल वाटर इन द टैंक कितना आया मतलब कि देखिए वॉल्यूम का मतलब है एक टैंक का वॉल्यूम यानी कि इस टैंक में कितना पानी आ सकता है क्लियर तो इसका टोटल तो वाटर कितना आ सकता है इस टैंक में इतने लीटर ये हमने अभी फाइंड आउट किया ना वॉल्यूम आया इसका वॉल्यूम का मतलब कितना पानी इसमें आ सकता है तो वाटर रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन एक पर्सन को कितने लीटर पानी चाहिए वन फिफ्टी लीटर ये हमें गिवन है वन फिफ्टी लीटर ऑफ वाटर पर हेड हैड़। पर हेड यानी हर एक पर्सन को एक सौ पचास लीटर पानी चाहिए तो वाटर रिक्वायर्ड बाय फोर थाउजेंड पर्सन इन वन डे वन डे में एक पर्सन को वन फिफ्टी लीटर चाहिए तो फोर को कितना वाटर चाहिए वन फिफ्टी को फोर थाउजेंड से मल्टीप्लाई देखिए एक को चाहिए एक सौ पचास लीटर तो चार हजार को कितना चाहिए एक सौ पचास को चार हजार से गुना कर दो तो ये आ गया वाटर रिक्वायर्ड बाय द फोर थाउजेंड पर्सन क्लियर तो एक दिन में टोटल वाटर इतना चाहिए और हमारे टैंक में पानी है टोटल इतना लीटर तो कितने दिन पानी चलेगा तो इस टोटल वाटर को डिवाइड बाय वाटर कंज्यूम्ड इन वन डे इन दोनों को डिवाइड कर लो तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा टोटल वाटर डिवाइड बाय वाटर कंज्यूम्ड इन वन डे ये तो एक दिन में पानी खर्च होता है और ये टोटल पानी तो इनको डिवाइड किया तो अपने पास बेटा ये जीरो से जीरो कुछ कैंसिल हो गई वन एट्टी डिवाइड बाई फोर इंटू फिफ्टीन ठीक है फोर और वन एट्टी को जब डिवाइड किया तो आया फोर्टी फाइव तो इधर फोर्टी फाइव फिफ्टीन डिवाइड करके आंसर आ गया थ्री डेज क्लियर है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट तो क्वेश्चन नंबर सेवन है ए गोडाउन मीजर फोर्टी मीटर ट्वेंटी फाइव मीटर एंड टेन मीटर एक गोडाउन है उसकी लेंथ ब्रेड हाइट दे रखी है तो उस गोडाउन का वॉल्यूम कितना आएगा तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लियर है ये वॉल्यूम आया गोडाउन का फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मीजरिंग 1.5 मीटर 1.25 मीटर 0.5 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है मतलब कि कुछ वुडन क्रेट हैं उस क्रेट की लेंथ ब्रेड हाइट आपको दे रखी है तो ऐसी कितनी वुडन क्रेट इस गोडाउन के अंदर रखी जा सकती है देखो पहले तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाला फिर एक क्रेट का जो वॉल्यूम है वो निकाला तो टोटल कितनी क्रेट ऐसी हो सकती हैं गोडाउन के वॉल्यूम डिवाइड बाय एक क्रेट का वॉल्यूम उन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वन क्रेट का वॉल्यूम उसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स ठीक है अब ये पॉइंट है पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर से मल्टीप्लाई इसके पॉइंट को हटाने के लिए दो पॉइंट इधर आए तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई इसका पॉइंट हटाने के लिए टेन क्लियर तो बस इसको सोल्व करना है आपने अपने, अपने तरीके से तो आंसर आ जाएगा टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स अब क्योंकि नंबर ऑफ क्रेट्स है वो पॉइंटों में नहीं हो सकती तो हमें इसको हटा देना है हमारा आंसर आ जाएगा टेन सिक्स 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 क्लियर है समझ में आया क्योंकि नंबर ऑफ क्रेट्स है ना वो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती ना फ्रैक्शन में तो वो कंप्लीट इतनी ही क्रेट्स इसके अंदर आ सकती है क्लियर है बेटा समझ में आ चुका होगा तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन एट क्या है अपना ए सॉलिड क्यूब ऑफ द साइड सेंटीमीटर इज कट इन टू एट क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है ट्वेल्व सेंटीमीटर उसको कट किया गया आठ छोटे में जिनका वॉल्यूम बराबर है ठीक है तो पहले ए कितनी ए की वॉल्यू कितनी रखी है ट्वेल्व सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का ट्वेल्व की पावर थ्री ए की पावर थ्री होता है ना वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम ए की पावर थ्री तो यानी ट्वेल्व की पावर थ्री तो आंसर आया वन सेवन टू एट सेंटीमीटर क्यूब तो एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा डिवाइड बाय एट क्योंकि आठ पार्ट में तोड़ा गया ना कट इन एट क्यूब्स आठ क्यूब में तोड़ा गया है तो छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा इसको आठ से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया टू हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर क्यूब बड़े क्यूब का वॉल्यूम यह था छोटे क्यूब का वॉल्यूम ये आया है क्वेश्चन है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब जो नया क्यूब है उसकी एक साइड की लेंथ बताओ देखिए अब मान लीजिए ए की पावर थ्री किसके बराबर है टू हंड्रेड सिक्स क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला ए की पावर थ्री होता है जो कि हमारे पास टू सिक्सटीन आया तो ए निकालना है आपको इधर से पावर थ्री हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा क्यूब रूट टू सिक्सटीन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा सिक्स सेंटीमीटर क्लियर है तो एक साइड की लेंथ कितनी आ गई सिक्स सेंटीमीटर हमारे पास तो फिर क्वेश्चन है आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द टू सरफेस एरिया जो बड़ा क्यूब है और छोटा क्यूब है इनके सरफेस एरिया का रेशो भी निकालिए तो सरफेस एरिया बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्र छोटे का एरिया वो भी सिक्स ए होता है फॉर्मूला तो ठीक है ना तो सिक्स बड़े वाले की लेंथ कितनी है ए स्क्वेयर ट्वेल्व टेल्व इंटू ट्वेल्व क्योंकि स्कूल था तो दो बार छोटे वाले का एरिया कितना है square, 6 तो का अब A यानि इसकी side, छोटे वाले की side हमारी 6 side थी तो दो बार ही तो, 6 6. तो अब इन दोनों को डिवाइड करना है आपने तो देखिए हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया बड़े वाले का एरिया डिवाइड बाय छोटे वाले का एरिया तो कैंसिल करके बेटा हमारे पास आएगा फोर बाय वन यानी कि फोर रेशो वन क्लियर समझ में आया अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करके दोबारा चेक कीजिए और फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से अब क्वेश्चन नंबर एक रिवर है है जो कि कि मीटर डीप यानी उसकी हाइट है फोर्टी मीटर मीटर वाइड है है यानी कि उसकी इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ टू किलोमीटर पर आवर वो जो लेंथ कवर कर रही है एक घंटे में दो किलोमीटर कवर कर रही है लेंथ इन वन आवर इज टू किलोमीटर इसको भी मीटर में बदलो यानी टू थाउजेंड मीटर हो गया ठीक है तो वन आवर का मतलब होता है सिक्सटी मिनटी so, मिनट में वो दो हजार मीटर चलती है टू थाउजेंड मीटर तो लेंथ इन वन मिनट कितनी होगी सिक्सटी मिनट में टू थाउजेंड है तो वन मिनट में कितनी होगी टू थाउजेंड को सिक्सटी से डिवाइड कर दो क्लियर तो लेंथ आ गई बेटा हमारे पास ये टू थाउजेंड बाई सिक्सटी मीटर क्वेश्चन है हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन मिनट, मिनट में सी में कितना वाटर फॉल करेगा तो देखो जो वन मिनट में इसने लेंथ कवर करी है वो ये है तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन वन मीटर मिनट आपको निकालना है। एक मिनट में वाटर का वॉल्यूम कितना है लेंथ ब्रेथ हाइट लेंथ है ब्रेथ है हाइट है मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ गया 4000 मीटर क्यूब कितना 4000 मीटर क्यूब क्लियर है बेटा तो ये है आपका आंसर अगर किसी को कोई समझ ना आया कुछ भी पॉइंट तो दोबारा से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं क्लियर तो ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय-बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे